ऑफ हिमाचल हैव ह्यूज पोस्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इट्स वेरी क्लियर दैट द बीजेपी इज बिगेस्ट मैस्कट इज फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर हिस पार्टी एंड फॉर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर मिस्टर जयराम ठाकुर बिफोर ही लीव फॉर द डे एंड फॉर इज कैंपेन ट्रेल इज ज्वाइनिंग एस लाइव मिस्टर ठाकुर थैंक यू सो मच क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सबसे बड़ा चेहरा है और जैसे हमने देखा है उत्तराखंड में भी उन कई चेहरे पे चुनाव लड़ा गया चीफ मिनिस्टर हारे लेकिन उत्तराखंड भाजपा ने इतने बहुमत से जीता है यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके लिए चुनाव लड़ रहे देखिए तो नरेंद्र मोदी जी एक नाम एक ऐसा नाम जिसको आजकल की परिस्थिति में देश के अंदर तो वो दिल दिमाग में लोगों का है लेकिन मैं कह सकता हूँ एक दुनिया के मानचित्र पर उनकी एक आ, अलग पहचान है और जहाँ तक चुनाव की बात आती है जिन राज्यों में चुनाव हुआ है या हो, हो रहा है तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनके चेहरे के बिना उनके नाम के बिना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है इतना बड़ा नेतृत्व तो हम हमारे देश के लिए है इस प्रकार का लोगों के बीच में उनका एक एक जो उनकी एक छाप है तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारा काम हमारा उनके इस पे हो जाता है और ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है और पूरा कैंपेन पूरा कैंपेन जो है वह बिल्कुल तेजी से उठ रहा है और अच्छी बात इसमें यह है कि हिमाचल नरेंद्र मोदी जी को दिल से चाहता है और हिमाचल के लिए नरेंद्र मोदी जी के मन में दिल में भी बहुत बड़ा स्नेह है क्योंकि वर्षों तक उन्होंने काम किया यहाँ पर और उस काम और की याद आज तक आ, बहुत पुराना एसोसिएशन और एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है उनके हिमाचल के साथ जयराम जी हम पोस्टर्स देख रहे थे एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा है दूसरे तरफ कांग्रेस का हाथ है क्योंकि उन लोग का लीडरशिप अभी इशू है आपका लीडरशिप इशू सॉर्टेड है अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो जयराम ठाकुर फिर से वापस आएंगे मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया है 125 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या ये रेवड़ी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद अपोज करते हैं देखिए एक बात को लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा रेवड़ी की शेप में हम इसको नहीं है उसको कहते हैं हमने एक वर्ग को राहत दी है हम इसमें बहुत इकोनॉमिक्स वर्कआउट की है उसमें हमने बहुत बारीकी से चीजों को देखा है हिमाचल प्रदेश में एक गरीब वर्ग जो है

हम बहुत सारी चीजों को लेकर के आ, काम करते हैं लेकिन एक वर्ग को राहत देना पर्टिकुलरली एक सेक्शन को गरीब और मध्यम वर्ग वो कैटेगरी हम उसमें शामिल की है हम दूसरे की तरफ ने 300 यूनिट के बाद कहना तो वो रेवड़ी है मैं कह सकता हूँ ये रेवड़ी नियम राहत बोलते हैं उसको जी ये एक लाख गवर्नमेंट जॉब्स प्रॉमिस किया है कांग्रेस ने इसका तोड़ क्या होगा काट क्या है आपके पास हर चुनाव में वो यही बोलती है यही कांग्रेस इनकी कमिटमेंट थी कि हम हिमाचल प्रदेश में 2012 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में हर एक परिवार से सरकारी नौकरी देंगे सत्ता पांच साल रही क्या दी उन्हे? इन्होंने ये कहा था बेरोजगार भत्ता बेरोजगारों को देंगे लेकिन दी उनने क्या इन्होंने कहा था कि हम उस वक्त भी कहा था उन्होंने उस वक्त में आंकड़ा यही था एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं एक लाख से ऊपर ही था आंकड़ा उस वक्त की बेहतरीन नौकरी देंगे लेकिन दी क्या तो आप ये मानते हैं, कि वो नहीं, करते हैं डेलिवर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात की बात पर लोग, गया, जो कहते है, लोग उसको इतने हल्के में लेते हैं उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया तो दूसरे लोगों ने उसको एक तरह से कूड़ेदान में डाल दिया इसको पढ़ने की जरूरत है मैंने कई लोगों से पूछा कहा आप लोगों ने पढ़ा तो क्या पढ़ना बोलता है उसमें वही होगा ये वो हो करेंगे वो करेंगे करना तो है नहीं, नहीं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो मसला है इट्स एन इम्पोर्टेंट इशूटर्न डेफिनेटली देखिए इशू तो है और ये ग्लोबल इशू है आपको में, दो चीजें महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट uh, ये ग्लोबल इशूज है और हर चुनाव के मुद्दे होते हैं ऐसा नहीं कि इसी चुनाव में मुद्दा है और इस चुनाव में मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने फिर भी इम्प्लॉयमेंट देने में बहुत बेहतर काम किया है आज तक का रिकॉर्ड जो हिमाचल प्रदेश का हमने वो तोड़ा है हमने लगभग सिक्सटी थाउजेंड के लगभग जो है रोजगार दिया है नौजवानों को इन पांच सालों में कोविड के बावजूद भी एक सेंस ऑफ ऑन्टोप्रेन्योरशिप दिख रहा है स्टार्टअप का जो कल्चर है वो हिमाचल में अब दिख रहा है तो वो किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं इको टूरिज्म के फॉर्म में वट इज द बिग टेक अवे ऑन द स्टार्टअप फ्रंट देखिए उसमें दो तीन चीज एक तो हमने इस बात को स्वीकार किया है इसको स्वीकार सबको ही करना पड़ेगा सभी बेरोजगारों को रोजगार हम सरकारी क्षेत्र में दे पाएंगे ये कभी संभव नहीं है इसलिए उनके लिए अपने पांव पर खड़ा होने का कोई जरिया अपने पांव पर खड़ा होने के लिए कोई रास्ता ऐसा बने तो उसके लिए हमने एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का ये है कि उसमें हम एक करोड़ रुपए तक का उसमें लोन देते हैं अगर कोई नौजवान करना चाहता तो उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट सब्सिडी उसमें दे, उस, उसमें दे रहे हम हम उसको उसको कर रहे हैं और कोई महिला करती है विडो करती है तो उनके लिए थर्टी फाइव परसेंट उसमें हम दे रहे हैं और ये एक स्कीम इतनी तेजी से उठी है इतनी तेजी से उठी है और इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग एकदम आ करके जो है वो अपने स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं कर कर चुके हैं और मैं अभी तक कहू कहू मैं हिमाचल प्रदेश में जब से हमने ये योजना शुरू की है तो लगभग दस हजार नौजवानों को रोजगार यानी कि किसी ने अपना काम शुरू किया छोटा काम किया तो वो बीस पच्चीस पच्चीस लोगों को लड़कों को नौकरी भी साथ काम भी साथ में दे रहे हैं प्रधान तो है प्रियंका गांधी का एक बयान आया है उन्होंने कहा है कि वो अग्निपथ स्कीम अगर कांग्रेस की सरकार सेंटर में आती है तो वो लोग विड्रॉ कर लेंगे और वो बयान उन्होंने हिमाचल के चुनाव में दिया और अग्निवीर जो स्कीम है आपकी जो जिसमें अग्निवीर बनेंगे अग्निपथ स्कीम में उसका सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट होगा हिमाचल से होगा क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ज्यादा रहा है आर्मी में और आर्म्ड फोर्सेज में फ्रॉम हिमाचल कैसे देखते हैं आप उनका बयान देखिए किसी ने भी गंभीरता से लिया नहीं शुरू के दौर में इन लोगों ने भी इस तरह से एक माहौल पैदा करने की कोशिश की थी लेकिन जैसे ही इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है लोगों को ध्यान में आई नौजवानों के ध्यान में आई तो कहा कि बैड ये अच्छा है हम सेना में सेवाएं देंगे एक तो सबसे बड़ी बात है कि सैनिक कहलाएंगे और उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में आकर के प्राइवेट सेक्टर में आकर के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस बात को इन्श्योर किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्श्योर किया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन्श्योर किया तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और सबसे बड़ी बात इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ा कि व्यवहारिक पक्ष इसका कि आपको आर्मी में एनर्जी चाहिए ये भी एक बहुत आवश्यकता है और ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर के नौजवानों को वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिलेगी और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह तो बहुत बड़ा स्कोप खोल दिया बहुत बड़ा स्कोप मेरा आखिरी सवाल और ये आप ही का एक वर्ड है रिवाज बदलेगा जो आप बोलते हैं यहाँ का ट्रेडिशन रहा है हिमाचल का हमेशा ट्रेडिशन रहा है हर पांच साल पे सरकार बदलने का जी तो इस बार क्या होगा 8 दिसंबर देखिए रिवाज बदलने की बात पर ना उस मैं ठीक है अभी ये ये विषय मैंने जिसन प्रधानमंत्री जी 8 साल का कार्यकाल पूरा आ, होने पर शिमला के रिश्ते के मैदान में आए थे शिमला आए थे जहां से उन्होंने प्रदेश को संबोधित किया तो उस दिन मैंने शब्द को कहा था और मीडिया ने शब्द को उठा दिया एकदम और ये एक पूरा चुनाव का पूरा एक मतलब जिसको पॉइंट बन गया ऐसा पॉइंट एक स्लोगन बन गया ये एक नारा बन गया ये जिस पर पूरा इलेक्शन जो है हमारा जो है आगे बढ़ करके एक पंच उसमें आ गया मैंने ये कही थी कि हिमाचल प्रदेश में कुछ चीज़ें जो है वो पुराने ट्रेडिशंस हैं हमने शुरुआत की हमारी सरकार ने हम सत्ता में आए सरकार में आए पहला कैबिनेट का डिसीजन क्या होता था सरकार बदलने पर कि पिछली सरकार के छह महीने के हम सारी योजनाओं को रद्द करते हैं घोषणाओं को रद्द करते हैं बदले की भावना से एफ करने के आदेश होते थे नेताओं पर अधिकारियों पर हमने कहा यह रिवाज देवभूमि हिमाचल के लिए ठीक नहीं है इसको बदलना चाहिए हमने कहा गलत किया होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे लेकिन ये तुरंत पहली कैबिनेट में निर्णय करना कि मामले दर्ज करो इसके खिलाफ उसके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बदले की भावना के साथ तो रिवाज बदलने की शुरुआत हमने वहां से की अभी जो रिवाज बदलने का जो है विषय क्या हुआ कि पूरे देश भर में हमने एक चीज़ को देखा कि बहुत सारे राज्य में जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी नॉर्थ ईस्ट वगैरह सारे ऐसे स्टेट थे हरियाणा एक हमारे यहाँ पर ही ऐसा स्टेट था जहां भाजपा की अधिकांश सीटें पर जमानत जब्त होती थी लेकिन सरकार बनी फिर बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां सरकार बनती थी पांच वर्ष के बाद बदल जाती थी लेकिन अब ये भी हो गया कि जहाँ पांच साल के बाद सरकारें बदल जाती थी तो वहाँ रिवाज बदल गया पाँच साल के बाद फिर भाजपा की सरकार है उत्तराखंड जब से बना है तब से उत्तराखंड में सरकार पांच वर्ष के बाद बदल जाती थी उत्तर प्रदेश में सैंतीस वर्षों से यही चल रहा था कि हर पांच वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी तो रिवाज बदला है तो हिमाचल भी रिवाज बदलेगा हमने कहा रिवाज बदलेंगे और हिमाचल में अब की बार क्योंकि हर चुनाव में एक चीज होती थी हम सरकार बनाएंगे हम बोलते थे दूसरे बोलते थे हम बनाएंगे यही होता था यही होता था चुनाव का लबो लबाव लेकिन अब के चुनाव में हट कर के चीज है कि सरकार बनाने का विषय एक जगह लेकिन उससे ज्यादा विषय कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे जो पांच पांच साल का जो दौर चल रहा है और कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे इसको हिमाचल को संबोधित करते हुए अपनी बात में कहा है हिमाचल में एक स्थायी सरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए केंद्र के साथ चलने वाली चाहिए मेरे साथ चलने वाली सरकार डबल इंजन सरकार डबल इंजन सरकार चाहिए एट दिसंबर इज व्हेन आई प्लान टू स्पीक टू यू अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू प्लीज थैंक यू थैंक यू हाउ मच